नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजे और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुल्तानपुर में नगर निकाय का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे सभी पार्टी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दी है। इसी के साथ समाजवादी के प्रबल दावेदार रहमान मानू से खास बातचीत में उन्होंने कहा, सुल्तानपुर में जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं और उन्होंने कहा, व्यापारी भाई हिंदू मुस्लिम हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और सुल्तानपुर की तस्वीर बदल देंगे। मानू ने कहा, समाजवादी पार्टी के 14 आवेदन पत्र समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जमा हुआ है। अब जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा उसी को पार्टी लड़ाएगी और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, सुल्तानपुर का विकास करेंगे। सौली विधानसभा के विधायक ताहिर अपने छोटे भाई के टिकट के लिए आवेदन किया है, जिससे मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, सभी का हक है टिकट मानना और टिकट का फैसला और निर्णय लेना राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। मानू ने कहा, जब हम नगर पालिका चेयरमैन थे तब सुल्तानपुर का विकास किए थे और आज सुल्तानपुर में उसी विकास पर रह गया है। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ हरिकेश यादव की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार, मैं हूं हरिकेश यादव। जो सुल्तानपुर के जो समाजवादी के आवेदन पत्र पर यहां नगर पालिका के चुनाव लड़ने जा रहे हैं मानू भाई, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जी सर, कैसे आप देख रहे हैं चुनाव? मैं चैनल के माध्यम से मैं सुल्तानपुर की आवाम का अभिनंदन करता हूँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि सुल्तानपुर की जनता का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने सन 2000 से 2005 में मुझे चेयरमैन बनाया था और आज फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आशीर्वाद दिया, मैं नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ने समाजवादी पार्टी से हमारे राज्य अध्यक्ष माननीय अखिलेश सिंह यादव जी ने हमको आशीर्वाद। और जहाँ तक चुनाव की बात है, जनता के बीच में जनता का सहयोग के काम के लिए मैं हरदम तत्पर रहता हूँ और जनता के विकास के लिए। हम जब चेयरमैन थे तो हमने नगर पालिका परिषद सुल्तानपुर शहर में, चाहे वो शास्त्री नगर हो, चाहे वो बेक नगर हो, चाहे बढ़िया वीर हो, चाहे जमाल गेट हो, चाहे यानी निराला नगर हो, हमने हर जगह कैंप लगा कर जनता का हाउस वाटर टैक्स कम करने का काम किया था। आज जनता का प्यार हमको मिला, जनता का सहयोग मिला, तो मैं फिर जनता से ये वादा करता हूँ कि पानी के ऊपर कोई टैक्स सुल्तानपुर की जनता से नहीं लिया जाएगा। ये हमारी सोच है कि पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। सर, जैसे कि देखा जा रहा है 3 दशक से अभी समाजवादी पार्टी का चेयरमैन नहीं बन पाए और बीजेपी के बनते आ रहे हैं, इस पर कैसे आपका फोकस रहेगा कि आप व्यापारियों को तोड़ सके या खेतवासियों नगर वासियों को तोड़ सके, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे लिए हिंदू भाई जो हैं हमारे, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे पंडित समाज से जो आता है, ये हम सभी के बीच में हम जाते हैं, हम उनके बीच में हमारा अपना बैठना है, लोगों का प्यार हमको मिलता है और हिंदू भाई हमारे बड़े भाई के रूप में हैं और मुसलमान भाई छोटे भाई के रूप में, हम इन लोगों को साथ लेकर हम ये नगर पालिका परिषद का चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता मुझे विजयी बनाएगी। सर, जैसे कि देखा जा रहा है अभी यहाँ सोली के विधायक ताहिर खान ने अपने भाई का भी आवेदन किया है, विधायक उनके क्या मतलब विधायकी भी उनके पास है, तो इस पर क्या विचार है आप? देखिए, इसके लिए तो भाई आवेदन करने के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, कोई भी टिकट मांग सकता है, चाहे हमारे के यहाँ 14-15 आदमी ने टिकट मांगा है समाजवादी पार्टी से। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने से हमको आशीर्वाद मिला है और हम यही सोच कर हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बैनर पोस्टर झंडा और जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है।
और कोई भी मान सकता है, हर आदमी आकार कोई भी मान सकता है। सर आपके यहाँ वादे या मुद्दे क्या रहेंगे जो अभी सुल्तानपुर में कोई कर नहीं पाया, उस पर आप क्या करेंगे? अगर आपको यहाँ जनता चेयरमैन बना देती है तो क्या देगी आप सौगात में? देखिए, हमने अपना मैनोफेस्टो ये जारी किया है, यह हमारा मैनोफेस्टो है। हमने इसमें लिखा है कि जनता का प्यार मिला हमको, जनता ने मुझे हमको चेयरमैन बनाया, तो मैं जनता से वादा किया है जो हमने लिख के हमारा ये पंपलेट मैनोफेस्टो बट रहा है पूरे शहर में, हमने वादा किया है कि हम मस्जिद के पेश इमामों को और मंदिर के पुजारियों को, गिरजाघर के पादरियों को और गुरुद्वारा के ज्ञानी को हम पेंशन देने का काम करेंगे। और हमने ये सोचा है कि हर वार्ड से 25 नौजवानों को हम संविदा पर रखकर उनको रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। पानी के ऊपर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और हर मोहल्ले में एक 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 डॉक्टर की नियुक्ति होगी जो यानी कि लोगों का इलाज करेगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, यही सब मुद्दा लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता का बहुत ही सहयोग मिल रहा है। हमने जो किया था, जो पहले हमने किया था जब हम चेयरमैन थे, वो इधर है और जो हम अब करने वाले हैं वो हमने अपने मैनोफेस्टो में लिखा है कि हम जनता के सहयोग मिला। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सुल्तानपुर की आवाम हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के साथ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव के साथ रहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। सबसे ज़्यादा यहाँ सुल्तानपुर में जाम की समस्या, इस पर क्या निजात मिला? जाम के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ठेलों वाले जाम की समस्या आ जाती है, ठेला वाले और ये जो ई रिक्शा वाले हैं इनसे भी जाम की समस्या आती है सुल्तानपुर। इनको विस्तृत तरीके से कमेटी बनाकर इनको विस्तृत तरीके से किया जाएगा रिक्शा वालों के लिए। और जहाँ तक गोमती पटरी वाले हैं, जो ये ठेला वाले हैं, इनको एक जगह नगर पालिका से ज़मीन अलाट करके वहाँ पे इकट्ठा इनको बसाने का काम किया जाएगा, जिससे समाज ये जाम की समस्या खत्म हो जाए। कैमरामैन कैलाश यादव के साथ। इस खबर में बस इतना ही, बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।